हेलो वाला वीडियो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स क्लब कुछ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ पलाश हेड़ाओ। स्वागत करते हैं हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया में। मेरे साथ है अनमोल जी। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जो जब भी हमने खबर दी थी कि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया टीम इंडिया ने, इंडियन टीम के जो गवर्नमेंट है, भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में तो हमने जब भी अपडेट दी थी आपको एक स्ट्रीम के दौरान, एक स्ट्रीम से हमने अपडेट दी थी आपको इस वीज़ा के बारे में। तो पाकिस्तान बाहर हो चुकी है ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से, जो तीसरा एडिशन चल रहा है, तीसरा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें से पाकिस्तान बाहर हो चुकी है, क्योंकि वीज़ा ना मिलने के कारण पाकिस्तान नहीं आ पाएगी। तो अनमोल जी, अभी क्या खबर है ज़रा बताइए आप दर्शकों तो को। जी हाँ, अभी के लिए तो शेड्यूल रीएडजस्टमेंट के जो भी प्रोसेस है वो चल रहे हैं, और मुझे लगता है कल सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक हमें क्लियरेंस मिल जाएगा, और 8 बजे तक हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जैसे ही क्लियरेंस आ जाता है शेड्यूल का, क्या इंडिया कल गेम कौन सा खेल रहा है, और इंडिया खेल भी रहा है या फिर इंडिया को बाय मिलेगा, और गेम एज़ पर शेड्यूल चलते रहेंगे। ये मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जो भी गेम पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी टीम खेलने वाली है उनको 22 मिलने वाले हैं, बाकी सिचुएशन ऑलरेडी चलता रहेगा। तो ये अज्यूम करेंगे कि 7th टीम पाकिस्तान नहीं आ पाई है, इस वजह से सबको 22 मिलेंगे पाकिस्तान का जगह पर, आपको विन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो सिचुएशन आपको कहेंगे वो ये है, ये सिचुएशन निकल कर आ रही है। लेकिन हम आज के दिन जुड़े हैं किस लिए, आज के दिन के रिव्यू के लिए, कि आज के दिन विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, क्या क्या सिचुएशंस हुई, क्या क्या सिनारियोज रहे, तो उसके लिए हम बात करने के लिए जुड़े हैं। हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त पहला मैच जो था वो था आज का इंडिया नेपाल, जिसको हमने लाइव स्ट्रीम किया था, लाइव कवर किया था, तो उस पर बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या हुआ था। आई थिंक उस मैच, उस वीडियो को अगर आप चाहो तो आप लाइव देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर टॉस जीता था भारत ने, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, कप्तान अजय रेड्डी और सुनील रमेश ओपनिंग कर रहे थे, एक नई ओपनिंग कॉम्बिनेशन भारतीय टीम ने ट्राई किया था और ज़बरदस्त सुनील तरीके से रमेश ने शतक भी लगाया था, और 106 रन की उनकी पारी रही थी, 25 बाउंड्रीज उन्होंने उस पर जड़ी। जी हाँ, और दीपक उसके मलिक ने बाद शतक लगाया, वो दीपक नाबाद मलिक रहे, ने शतक लगाया और वो भी नाबाद रहे। वैसे तो आज सुनील रमेश भी नाबाद रहे, और रिटायर्ड हो उनको गए थे, रिटायर हट कर दिया गया था। और वेंकटेश डोना वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर राव राव ने भी अर्धशतक जड़ा। जी उनके हाँ अलावा बीवन ललित मीना थे जिनको रनआउट, जो रनआउट हुए 28 रन के योग पर, और अजय रेड्डी को बोल्ड किया था प्रेम कुमार छेत्री, नेपाल की गेंदबाज, और उन्होंने 108 रन पर सिमट गई थी पूरी पारी पूरी की जो है पूरी नेपाल नेपाल की की टीम, पारी। और तो 274 दो रनों सौ से चौहत्तर रन मुकाबला। से वो भारत ने मैच जीता था। बिल्कुल तो ये पहले मैच की डिटेल्स हमारे सामने वाइड ओपन है, लेकिन दूसरा मैच, अब चलिए यहाँ पर देखे दूसरे मैच में क्या हुआ था, कि बांग्लादेश खेल रही थी और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, काफ़ी ज़्यादा हॉट फेवरेट थे साउथ अफ्रीका जीतने के लिए, लेकिन हमने देखा क्या ज़बरदस्त आज उलटफेर नज़र आया। साउथ अफ्रीकन टीम लगातार ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उन्हें हार का शिकस्त झेलनी पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश के B3 आबिद ने शानदार इनिंग्स खेली और बांग्लादेश 231 रन बनाने में कामयाब रहा 5 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करते हुए 132 के चेस करते हुए साउथ अफ्रीकन टीम बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ाई, और कह सकते हैं कि फिर कभी मैच में वापस ही नहीं आ पाई, एक के बाद एक विकेट्स गंवाते रहे, साझेदारी ही नहीं हुई। और इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 132 रन बनाए और 9 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे, 99 रन की शिकस्त उन्हें झेलनी पड़ी। तो साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी, वो मैच 99 रन के बड़े मार्जिन से हार गए। और जो तीसरा आज का मुकाबला था, एक और एक तरफा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 158 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, कैमरन नेट जिन्होंने एक बेहतरीन इनिंग्स खेली आज, उनके बल्ले से वो रन्स निकले, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया 158 के सम्मानजनक टोटल तक पहुंची। और उसके जवाब में श्रीलंका ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और उनके B3 खिलाड़ी ने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल ही है उनका नाम, उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और 159 के जवाब में श्रीलंका ने 162 रन जड़ दिए 13.4 ओवर्स में ही, और 32 गेंदें बाकी रहते हुए श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी पहली जीत रजिस्टर की। तो तीनों ही मैचेस एशियन टीम्स के नाम रहे, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया तीनों ने ही अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल को मैचेस हार मिली है।
पाकिस्तान आज खेल नहीं रहा था, इसी वजह से पाकिस्तान के लिए आज रेस्ट देता। लेकिन पाकिस्तान अब ऑफिशियली वर्ल्ड कप पे नहीं आ पाएगा, इसका मतलब है कि सेवेंथ टीम इज आउट ऑफ द प्लेस। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया उनके वीजा को, तो इसी वजह से सिचुएशन यहाँ पर यह हो गई है कि अब छः जो है टीम्स हैं और छः टीम्स जो आपको खेलते हुए नज़र आएंगी पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में। जो सिनारियो बनता है वो ये रहेगा बिल्कुल, और परमिशन ही नहीं दी गवर्नमेंट ने टीम इंडियन टीम के, तो इंडिया की ओर से, तो वहाँ पर पाकिस्तान चाहती थी, पाकिस्तान स्ट्रांग टीम है और ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में आना चाहती थी, बड़ी तैयार थी, नंबर वन टीम है पाकिस्तान इस समय और नंबर वन टीम है T20 में, तो पाकिस्तान आना चाहती थी, पूरी तैयारी से थी पाकिस्तान, वेट कर रही थी कि वीज़ा मिल जाएगा, पर कल परसों से वेट कर रही थी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा मिला ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दी वीज़ा के लिए, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए निराश करने वाली जो खबर है वो निकल कर सामने आई आज शाम को, जैसे कि हमने स्ट्रीम में बताया था लाइव स्ट्रीमिंग में, तो ये बड़ी मुश्किल घड़ी है ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जब ODI वर्ल्ड कप भी होगा नॉर्मल क्रिकेट का 2023 में होना है, उसमें भी पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल घड़ी रहेगी, और फिर एशिया कप जब पाकिस्तान में होस्ट होने वाला है वहाँ पे भी इंडियन टीम आएगी या नहीं, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा के रखा है। तो ये आई थिंक एक ऐसी डिबेट है जो ओपन करता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा, और अगर सर्वाइव करेगा तो फिर क्या दो ब्लॉक्स बनेंगे, क्या होगा आई डोंट नो, पर बहुत ही ट्रिकी होगा, क्या होगा क्या सीन होता है देखना होगा, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ निर्भर करता है किस तरह से आगे चलता है, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं अब कल के मैचेस के लिए, कल किस तरह से शेड्यूल में एडजस्टमेंट किया जाता है, जी हाँ शेड्यूल में क्या बदलाव होता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है, देखना होगा किस तरह से वो, क्योंकि कल ही होने वाला था भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, और भारत और पाकिस्तान 22 को मिल जाएगा, 22 शायद मिल जाएगा पाकिस्तान के बदले, और दो जीतों के साथ भारत टॉप पोजिशन पे अपने अपने आप को सिक्योर कर लेगा, शायद बांग्लादेश को कल रेस्ट देता, तो उस हिसाब से जो भी सिचुएशन है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कल कि क्या गेम हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्या भारत कल अपना मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, मुझे जितने मोस्ट प्रॉबली चांसेस लग रहे हैं कि भारत कल अपना मैच नहीं खेलेगा बिल्कुल, और कल भारत और बांग्लादेश का मुकाबला भी है, तो उसके बारे में भी हम वीडियो लाएंगे ज़रूर कल, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, भारत बांग्लादेश का दूसरा वनडे मुकाबला कल खेला जाने वाला है जी हाँ, और उस तब तक के लिए हम यही चाहेंगे दर्शकों से कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट ब्लैंकेट के अपडेट्स इधर ही मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब 500 सब्सक्राइबर्स एम करते हैं 31 दिसंबर से पहले, धन्यवाद जी, शुक्रिया शुक्रिया।